हे गाइस इट्स मिलियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्सी। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर नंबर 86 के लेटेस्ट लीक्स और स्पॉयलर्स को कवर। सो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर अडियो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो डीबीएस क्रॉनिकल का शुक्रिया, उसने लीक्स को शेयर किया। तो हमें पहले पेज में दिखाया जाता है यहाँ पे एक ड्राफ्ट पेज जहाँ पे लिखा रहता है द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स रिवील्ड। अब चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो फाइनली यहाँ पे हमें दूसरे पेज में दिखाया जाता है गोकू को, वेजिटा को और ग्रेनुला को, तीनों को साथ में, जो कि अभी अभी गैस को मार गिराया है इन तीनों ने मिलकर एक कॉम्बो कॉम्बैट के साथ। यहाँ पे गोकू कहता है कि हमें और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसका जवाब में वेजिटा उसे कहता है कि सही कहा तुमने, हम ऐसी शर्मिंदगी वाली जीत बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वेजिटा एक तरह से कहता है कि यार मतलब ये कोई जीत नहीं हुआ, हम लोग मार नहीं पाया अकेला कुछ भी गैस को। और फिर वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो टेक्निक के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं अपनी टेक्निक को और भी इम्प्रूव करूंगा और बेहतर होके दिखाऊंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे भी ताकतवर बन जाऊंगा। उसका जवाब देते हुए गोकू कहता है हंसकर, मैं भी तुमसे हार नहीं मानूंगा। इतना होता ही है कि ग्रेनुला जो होता है ज़मीन पर चित हो जाता है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा को देखकर हैरानी होती है, यार इसे क्या हो गया। तो वो ग्रेनुला को आवाज़ लगाते हैं ग्रेनुला कहकर। यहाँ पर ग्रेनुला जमीन पर जैसे तैसे खुद को संभाल रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पे गोकू जाकर ग्रेनुला से उसकी हालचाल पूछता है। ग्रेनुला के साथ ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो उसने अटैक किया था गैस को, उसमें उसने अपना पूरा जान लगा दिया था, इसलिए ग्रेनुला की अभी ये हालत है। यहाँ पे ग्रेनुला जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और कहता है मैं ठीक हूँ। यहाँ वेजिटा ग्रेनुला से सवाल करता है और कहता भी है उसे कि लगता है तुमने उस अटैक में पूरा अपना दमखम लगा दिया, तुम्हारी हाल बहुत ख़राब लगती है बॉडी की। ग्रेनुला कहता है हाँ, उस अटैक ने मेरी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। फिर ग्रेनुला इन्हें बताता भी है कि मैंने अपने लाइफ लगता है और भी शॉर्ट कर लिया है। मतलब जैसे कि ग्रेनुला ने स्ट्रांगेस्ट बनने के लिए ड्रैगन से विश मांगकर अपनी लाइफ को शॉर्ट किया था, अब इस अटैक के बाद ग्रेनुला की ज़िंदगी और भी कम हो गई है। तो गोकू हैरान हो जाता है और पूछता है इवन मोर, मतलब गोकू और वेजिटा को तो यार मालूम नहीं होता है कि उसके पास कितनी ज़िंदगी है या विश में उसने क्या दांव पे लगाया था। तो ग्रेनुला यहाँ पे बताता है गोकू और वेजिटा को कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल है, और यही कंडीशन था ड्रैगन का मुझे स्ट्रांगेस्ट बनाने के लिए। और फिर गोकू मतलब हैरान हो जाता है और उससे कहता है तुम इतने दूर तक चल गए। मतलब गोकू का कहने का मतलब रहता है कि यार मतलब एक स्ट्रांग ताकत पाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। और फिर वेजिटा यहाँ पे उससे कहता है अपना दिमाग लगाते हुए, क्या इसका मतलब ये है गैस को भी सेम डील करना पड़ा होगा। तो फिर ग्रेनुला कहता है मुझे नहीं पता उसकी लाइफ भी कितनी कम हुई होगी। पीछे से आता है मोनाइटो और उसे कहता है ग्रेनुला को कि ग्रेनुला रुको, मैं देखता हूँ तुम्हें तुम्हारी क्या परेशानी है। और फिर यहाँ पे मोनाइटो झटके से ग्रेनुला को, गोकू, वेजिटा सबको एकदम चंगा कर देता है, बिल्कुल एकदम फ्रेश कर देता है। वो लगता ही नहीं कि वो बैटल से आए। और यहाँ पे अपने टेक्निक्स के बारे में बात करता है मोनाइटो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोनाइटो का एनर्जी जो है, उसका जो पावर है वो और भी बढ़ चुका है इस सब संघर्ष, मतलब इतने इस सब चीज़ के दौरान। और वो अब जो करता है वो किसी को भी उसके फुल स्ट्रेंथ में ला देता है। मोनाइटो भी हैरान हो जाता है खुद को कि मेरे अंदर ये कौन सी एबिलिटी आ गई। फिर वेजिटा भी कहता है सही कहा तुमने, मेरी भी ताकत पूरी फिर से रिचार्ज हो गई है। मतलब सब फ्रेश हो जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे एलेक को, यहाँ पे वो चिड़ा हुआ होता है और मतलब वो टेंशन में आ जाता है। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि गैस हार भी जाएगा, और यहाँ कहता है मुझसे मिसकैलकुलेट कैसे हो गया। और वो फिर ड्रैगन बॉल को कोसता और कहता है क्या वही था यूनिवर्स का स्ट्रांगेस्ट, मेरे साथ तो ये स्कैम हो चुका है। और फिर ऊपर अपने प्लेन देखता है एलेक, और फिर वहाँ पर जाने लगता है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एलेक जा रहा है और फिर कहते हैं वहाँ देखो वो अकेला भाग रहा है। कोकू चिल्लाता है एलेक को और वो कहता है क्या तुम अपने भाई बहन को छोड़कर अकेले भाग रहे हो। एलेक चिढ़ कर कहता है चुप रहो, मेरे पास इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और वो कहता है गैस भी कभी भी जा सकता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और फिर अचानक से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोनाइटो पर पीछे से कोई कर देता है अटैक। और ये अटैक मतलब कुछ एक लगता है कि फ्रीजा की तरह उंगली से मारा है, या फिर आप इसमें बहुत बार देखे होंगे कि एलेक अपना गन से इस तरह का अटैक करता है। तो मोनाइटो पर आखिर ये किसने अटैक किया ये तो हमें पता नहीं। क्या ये हो सकता है कि ये एलेक का विष से कुछ जुड़ा हुआ हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं इसमें। क्या गैस फिर से खड़ा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर गोकू, वेजिटा और ग्रेनुला फिर से टेंशन में आ जाएंगे, यार आखिर अब कौन आ गया, क्या अब हमें सही में पता चलने वाला है कि एलेक का विष क्या है।
तो वो तो हमें पता चलेगा मांगा आने के बाद। और फिलहाल अगर सच बोलूँ तो यार मांगा का हाइप थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि गुहान वाला मूवी है जो इंडिया में फाइनली आने वाला है। तो अगर आप सब देखने जा रहे हैं और आप इस वीडियो में हैं तो कमेंट करके बताएं अपने अपने सिटी से आप लोग कहाँ से जाएंगे। और हाँ गाइस, एक और न्यूज़ है, मूवी हिंदी डब में आने वाला है, तो यार मतलब ट्रेलर देख लेना पहले हिंदी डब का कैसा है, उसके बाद जाना हिंदी डब देखने, वरना क्योंकि होता है क्या है बहुत बार हिंदी डब में मतलब यार लोग कचड़ा कर देते हैं यार, क्वालिटी नहीं आता है कभी कभी, समझे ना। तो अगर मैं तो विश करूँगा कि यार एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आए हिंदी डब वाले में, तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे सोनी वाला के एफर्ट को हमारा सल्यूट है, और साथ ही साथ सारे ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्कत से एनीमे को इंडिया में जिंदा किया, थैंक यू टू ऑल। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।